मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि यह तीन शब्द का इस्तेमाल मत करो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे और आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया रहेगा, आप वास्तविकता से जुड़े रहेंगे। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। काफी बार हम ऐसा यूज करते हैं, मुझे लगा कि ऐसा होगा, मुझे लगा कि वैसा होगा, मुझे लगा कि मैंने उसको वहां देखा, मुझे लगा कि आप मुझे बुलाएंगे। तो ये क्या होता है कि जब हम बोलते हैं मुझे लगा, तो ये पूरा एजम्पशन में है, हम उसको रियलिटी देखते नहीं है। ये एक्चुअली कंप्लीटली पर्सनल टेस्ट है रियलिटी की, कि रियलिटी में है कि नहीं है ये पर्सन, मतलब मुझे लगा उसके ऊपर है वो, तो उसको कोई अर्थ नहीं है। आपको लगने से कुछ होता नहीं, और लगता कहाँ है? नहीं, मुझे लगा, कहाँ लगा भाई? हाथ को लगा कि पैर को लगा, दिमाग को लगा, विचारों को लगा, कहाँ लगा? तो मुझे लगा है, हम देखते हैं, हमने देखना चाहिए कि भाई एक्चुअली रियलिटी क्या है, वास्तविकता में क्या है। मेरे को लगा वो सच होगा नहीं होगा, मुझे लगा वो रियलिटी में वास्तविकता में होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। फिर दूसरा हम बोलते हैं मैंने सोचा। अब मैंने सोचा, आपके सोचने को क्या महत्व है? आप कुछ भी सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं आज अमिताभ बच्चन के साथ में खाना खाऊंगा। आप सोच सकते हैं कि कोई एक्ट्रेस है, उसने मेरे शादी करनी चाहिए। आप कुछ भी सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मुझे लोन मिल जाएगा। आप सोच सकते हैं कि मुझे लोन मिल गया है। आप सोच सकते हैं कि मेरा धंधा बढ़े। मतलब सोचने को क्या अर्थ है? सोचा, सोचने से कुछ नहीं होता। सोचो और उसको रियलिटी में कैसे लाएंगे वो देखो, और सोचने से एक्चुअली रियलिटी में है क्या वो मालूम करना चाहिए। मैंने सोचा कि ऐसा वो वहां आके गया होगा, ऐसा मुझे लगता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने सोचा वो आएगा, तो ऐसा उससे कुछ होता नहीं है। आपके सोच, आपकी सोच कब कैसी होंगी, आपके सोच में कौन से विचार कब आएंगे, कितने फ्रिक्वेंटली वो बदलते जाएंगे, कितना स्टेबल रहेंगे, कुछ बोल नहीं सकते। आज आपको एक सोच आ सकती है, कल आपको दूसरी सोच आ सकती है, तो उसको कुछ अर्थ नहीं है। मैंने सोचा, तो एक्चुअली रियलिटी टेस्टिंग होना इसकी भी जरूरी है। और तीसरा है कि मैं समझा। अब आपको समझने से क्या होता है? सामने वाले ने क्या बोला, सामने वाले ने एक बोला, आपने दो समझा, तो एक्चुअली आपने जो समझा वो रियलिटी में है कि नहीं है वो भी जानना जरूरी है, वो चेक करना जरूरी है। मैंने समझा, क्योंकि वो रियलिटी में हो सकता है। आपने बोला कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मैंने समझा कि नागपुर जा रहे, उसको क्या अर्थ है? तो हम क्या सुनते हैं, सामने वाला क्या सुनेगा मैंने कुछ बोलने के बाद में, या मैंने क्या सुना, वो मैंने रियलिटी में टेस्ट करना चाहिए। तो वास्तविकता में जो मैं समझा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देखो मैं ना आपको बताता हूँ कि मैं क्या समझा, मेरे को क्या समझ में आया, मैं आपको बताता हूँ। तो फिर सामने वाला बोलेगा हाँ आपको जो समझा वो बराबर है कि नहीं। सामने वाले ने जो बोला मैं समझा ही नहीं है, सामने वाले ने कुछ बोला मैंने और कुछ समझा, और फिर मैंने भलते कुछ भी कर दिया। अब ये दूसरी तरफ से भी लागू होता है कि सामने वाले ने क्या समझा वो मैंने चेक करना चाहिए, कि मैंने जो बोला वो समझा कि नहीं समझा, क्योंकि वो रियलिटी में नहीं होगा। मैंने बोला होगा एक, उसने सुना होगा दो। तो ये जो शब्द है जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको रियलिटी टेस्टिंग बिल्कुल नहीं। मुझे लगा, मैंने सोचा और मैं समझा। तो इसके बाद में कभी भी आपको जो करना है, कम्युनिकेशन हो, काम हो, है ना, कुछ प्रोजेक्ट हो, जो भी कुछ हो, आंखों से देखा, कान से सुना या फीलिंग हुआ, उसको कुछ महत्व नहीं है। क्योंकि अपने फीलिंग्स, अपना सुनना, अपने आंखों से देखना, या कुछ भी कैसा भी हो सकता है, और अपना थिंकिंग। इसलिए रियल टेस्टिंग बार बार करके देखो, तभी आप जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।